हेलो फ्रेंड्स, अब हम ASP.NET में एक नई वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे और विजुअल स्टूडियो के कुछ टूल बार्स, स्टार्ट पेज, डॉक्यूमेंट विंडो और भी कई चीजों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमें विजुअल स्टूडियो ओपन करना होगा, तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद क्लिक कीजिए ऑल प्रोग्राम्स पे, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2008, देन अगेन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2008। आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो खुल के आएगी जिसे हम स्टार्ट पेज कहते हैं। ऊपर की साइड आप देखेंगे तो आपको काफी सारी मेन्यूज दिखाई दे रहे होंगे। उससे नीचे आएंगे तो आपको रिसेंट प्रोजेक्ट्स नाम का एक एरिया दिखाई देगा। इस एरिया में आपको अपने पिछले रिसेंटली खोले हुए प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट्स की लिस्ट शो होती है। उससे नीचे आप आएंगे तो आपको एक और एरिया दिखाई देगा जिस पे लिखा होगा गेटिंग स्टार्टेड। इस एरिया में आपको और ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन सारे ऑप्शंस को यूज करके आप चाहें तो एक नई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो आप हाउ डू आई ऑप्शन को यूज करके आपको हेल्प मिल जाएगी, या फिर आप MSDN के कोई फोरम्स पढ़ना चाहते हैं तो आप MSDN फोरम्स ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इससे आप राइट हैंड साइड पे आएंगे तो आपको ये एरिया दिखाई देगा जिसके ऊपर आपको हेडिंग दिखाई देगी MSDN विजुअल सी हैश हेडिंग्स। इस एरिया में आपको MSDN की वेबसाइट पे रिसेंटली पब्लिश हुए आर्टिकल्स दिखाई देंगे। देखिए ये सारे आर्टिकल्स हैं जो MSDN की साइट पे अभी कुछ हाल ही में पब्लिश हुए हैं। एक नई वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाना होगा। फाइल मेन्यू में जाके क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको न्यू ऑप्शंस पे जाना होगा। आप देख रहे होंगे आपके आगे कुछ और ऑप्शंस खुल के आ गए हैं। अगर आपको विंडोज एप्लीकेशन बनानी है तो आप न्यू में जाके प्रोजेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आपको एक नई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आप वेबसाइट ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फाइल ऑप्शन को चूज करेंगे। अपने इस ट्यूटोरियल में हम एक नई वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो इसमें से मैं वेबसाइट ऑप्शन को चूज करती हूँ। आप देख रहे होंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया होगा जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर लिखा है न्यू वेबसाइट। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। ASP.NET वेबसाइट, ASP.NET वेब सर्विसेज, एम्प्टी वेबसाइट, WCF सर्विस, ASP.NET रिपोर्ट्स वेबसाइट, ASP.NET क्रिस्टल रिपोर्ट्स वेबसाइट। चूंकि अपने इस ट्यूटोरियल में एक नई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो हम चूज करेंगे ASP.NET वेबसाइट ऑप्शन को। उसके नीचे आप आएंगे तो आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा लोकेशन। अगर इसके आगे दिए हुए अगर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करती हूँ तो मुझे तीन ऑप्शन और दिखाई देते हैं, फाइल सिस्टम, HTTP, FTP। अगर मैं अपनी बनाए जाने वाली वेबसाइट को अपने ही फाइल सिस्टम पे सेव करना चाहती हूँ तो मैं फाइल सिस्टम को ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी। फाइल सिस्टम ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जब मैं अपनी वेबसाइट को रन करूंगी तो विजुअल स्टूडियो मेरे लिए ऑटोमेटिकली एक वेब सर्वर को स्टार्ट कर देगा जो मेरी वेबसाइट को होस्ट करेगा, जिसे हम लोकल होस्ट भी कहते हैं। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी, अगर आप फाइल सिस्टम ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको अपने सिस्टम में IIS इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड ऑप्शन है आपका HTTP। अगर आपको IIS वेबसाइट बनानी है तो आप HTTP ऑप्शन को यूज करेंगे। HTTP ऑप्शन को यूज करके आप IIS वेबसाइट अपने लोकल सिस्टम या रिमोट सिस्टम पे बना सकते हैं। इसके लिए आपके टारगेट सिस्टम में IIS और ASP.NET दोनों ही इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है FTP। अगर आप अपनी वेबसाइट को किसी दूसरे सर्वर पे होस्ट कराना चाहते हैं तो आप FTP ऑप्शन को यूज करेंगे। FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। अपने इस केस में मैं फाइल सिस्टम को चूज करूंगी। उसके नीचे आप आएंगे तो आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, लैंग्वेज। इसके आगे आपको और ऑप्शंस दिखाई देंगे, विजुअल बेसिक, सी हैश। अपने इस केस में विजुअल सी शार्प को यूज करूंगी क्योंकि हम अपने आगे आने वाले सारे ट्यूटोरियल्स में विजुअल सी शार्प का यूज करेंगे। इसके राइट हैंड साइड को आपको एक पाथ दिखाई दे रहा होगा। ये पाथ वो है जिस पाथ पे आपकी वेबसाइट सेव होने जा रही है। आप चाहें तो ब्राउज बटन पे क्लिक करके वेबसाइट की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं।
यहाँ आप अगर सबसे एंड में देखेंगे तो वेबसाइट 6 लिख के आ रहा होगा, ये आपकी वेबसाइट का नाम है। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट का नाम वेबसाइट 6 से चेंज करके कुछ और भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ वेबसाइट 6 ही रहने देती हूँ। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन के बारे में और इस पे दिए गए टैग्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। अब इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।